कभी बोलबाला था, अकेले हो गए, आज हालत क्या है? जो लोग हमें छोड़ करके गए उनमें से कोई भी दोबारा ना चंडीगढ़ जाएगा ना दिल्ली जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटों पे आप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव? हम 10 की 10 सीट पे लड़ेंगे। कितनी जीत जाएंगे? 2 से 3 सीटों का दावा करता हूँ। इंडी गठबंधन का क्या हुआ? जहर से भरे हुए है नेशनल पार्टी के लीडर जो है रीजनल पार्टी के लोगों के लिए। बीजेपी या मोदी को काउंटर करना सबको साथ लाना पड़ेगा। मुझे कोई प्रेज नहीं है कांग्रेस से, लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं है INLD किसी तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है। हमने कभी नहीं कहा एक दिन भी। एक इंडी गठबंधन, नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस थर्ड फ्रंट, दूर दूर तक तो अब दिखाई पड़ता नहीं है। और नेशनल पार्टियां इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वाले भी तो बीजेपी से जाके मिल रहे हैं। वो जब जब मौका मिला है बीजेपी को मदद करते हैं, तो फिर उनसे मिलने का कोई सवाल उठता नहीं है। और उनके पास अब कोई सौदा रह नहीं गया कि उनसे मिले। हुड्डा तो पूर्ण रूप से भाजपा के साथ मिला हुआ है। बाप बेटा दोनों भाजपा में, जैसे कमलनाथ और कमलनाथ का बेटा जा रहा उसी तरह चले जाएंगे। कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप बीजेपी की मदद करते हैं। जो अक्टूबर में जो चुनाव होगा उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में होगी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ईडी से इतना डर क्यों है? ये लुटेरे जो है ये बात बोलते हैं। कई बार विधानसभा अध्यक्ष ने आपको कहा वो प्रूफ दे दीजिए, जांच करा देते हैं, आप प्रूफ देते नहीं है। अगर सरकार को किसी ने कटघरे में खड़ा किया इस हरियाणा प्रदेश में, तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अभय सिंह चौटाला है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी से मिले रहते हैं कि ईडी का खौफ उनको भी। कांग्रेसियों से आप ये पूछो कि अभय सिंह ने किस दिन कांग्रेस के पक्ष की भाजपा के पक्ष की बात करी है। वो कहते हैं कि आप लोग पोर्टल का इशू जिंदा रखिए इलेक्शन तक। 10 आदमी ये कह दे कि ये सरकार का बनाया हुआ लिया हुआ फैसला बहुत बढ़िया है, तो मैं उसी वक्त की भी मुख्यमंत्री का फैसला बहुत बढ़िया है। आपकी सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? सारे पोर्टल खत्म कर देंगे। जनसंवाद यात्रा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ लोगों को बेइज्जत करके आए और लोगों से खरी खोटी सुन के आए। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि सरकार के खिलाफ वो कहते हैं कि कुछ मिलता नहीं है, तो कभी किसान भड़का देते हैं, कभी कर्मचारियों को भड़का देते हैं। किसानों को इन्होंने ये वायदा किया था और कहा था कि MSP का कानून बनाएंगे, नहीं बना तो किसान को मजबूर होकर के दोबारा सड़क पे आना पड़ा। ये सो प्याज भी खाएंगे सो जूत भी खाएंगे। कांग्रेस का भविष्य, कई लोगों का घमंड जो चकनाचूर हो जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस खुद जो है भाजपा को सत्ता में लाना चाहती है। JJP, मैं उनके बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहता। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ कोई भविष्य नहीं है। राहुल गांधी, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सोनिया गांधी, एक घर के कितने लोगों के नाम लोगे आप? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जब लोगों के हाथ में ताकत जाती है, लोग फैसले करने वाले हो जाते हैं, तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। उदाहरण बैठा आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं उसको कभी पूरा नहीं करते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, लोकतंत्र तो होता तो मनोहर लाल खट्टर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये थोपे हुए लोग हैं, ये लीडर नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा का एजेंट है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनके बारे में आप पे छोड़ दी सारी। अरविंद केजरीवाल, हमारे यहाँ कोई भविष्य नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और INLD का भविष्य, हर हालत के अंदर 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। अभय चौटाला, प्रधान महासचिव इनेलो, 20 फरवरी शाम 5 बजे देखिए जनता TV पर। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस Presented by जनता TV, powered by PNB KitchenMaid, PNB की सुनो हेल्दी चुनो, supported by UPS Lakshmi, LPS Bosad, proven productivity।